हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पे, और आज हमारी जनरल नॉलेज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जीके क्लासेस, और जीके क्लासेस को रिस्पांस बहुत अच्छा मिला था पहले भी, बीच में मैंने ड्रॉप कर दी थी। सब्जेक्ट भी बहुत पसंद है मुझे ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सब में जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज ये है कि जीके कई बार बच्चे पूछते हैं कि जीके में हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें कैसे ना करें, तो मेरा कहने का मतलब उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गई तो बहुत टाइम चला जाएगा। लेकिन मैं अपनी इच्छा से, और क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है जीके क्लासेस लेने में और जीके की वीडियोस बनाने में, सो इसीलिए मैं ये सेक्शन दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है और आई होप कि आप सभी का भी इंटरेस्ट इसमें होगा, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड आप ना करें मेरे हिसाब से। सो आज जो एक टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से आपके जो भी नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टॉपिक को, ये पूरी वीडियो देख लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन फिर नहीं छूटने पाएगा। ओके, अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो, जो नॉर्मली आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह की जीके पूछी जाती है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, क्या ऐसी नई चीजें हैं जो आज आपको जाननी है, जो आपको पता चलेगी। उससे पहले जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में, देखो मैं बहुत ही फैक्चुअल चीजों पर जाऊंगी, यहाँ पर लंबा छोटा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि वो जरूरी नहीं है। आपके लिए पढ़ना वही है जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो आपके फैक्ट्स हैं जो जीके में पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, तो उनको आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है हमारे, वो हमारे पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, यानी कि संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ओके, 3 को याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार है तो अ से आप 3 का शब्द याद कर सकते हैं, और आपको याद रखना है कि ये भाग 3 में है। ओके, अब कहां से कहां तक है ये भी आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि 12 से जो है 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है अगर हम संविधान की बात करते हैं। तो पार्ट और आर्टिकल्स कहां से कहां तक है ये आपने याद कर लिया, पार्ट 3 में है, और अगर हम बात करें तो 12 से आपके 35 तक अधिकार है, यानी कि 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है संविधान में। आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को हम भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब भाई मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा पूरा इसमें संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि जितना विस्तृत विवरण जो है मूल अधिकारों का हमारे संविधान में दिया गया है, उतना अमेरिका या यूएसए के संविधान में भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो दो तीन चीज आपको याद हो गई होगी, पहली चीज ये कि फंडामेंटल राइट जो है उनका जिक्र किया गया है पार्ट 3 में, यानी कि भाग 3 में, और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, आर्टिकल 12 से 35 जो है वो डील करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अधिकार के लास्ट में आप देख लेंगे एक ऐसा शब्द बना दिख रहा है, तो 12 आर्टिकल से स्टार्ट हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं 35 तक, इस पे आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए हैं। नेक्स्ट, अगर हम हिस्ट्री पर बात करें तो ज्यादा इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखनी है। अगर पहले की बात करें कि ओरिजिनली हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि हमारे कितने मौलिक अधिकार थे जो पहले थे, तो पहले हमारे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में हमारे 6 हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन 7 में से घटा कौन सा, तो यहाँ पर जो राइट हमारा हटाया गया होता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि भाई जो भी आपकी संपत्ति है वो आपकी है, कोई भी सरकार हो कोई भी इंसान हो वो आपकी प्रॉपर्टी पर राइट नहीं ले सकता है, वो आपको कभी भी मजबूर नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी से वंचित होने के लिए, तो ये एक मौलिक अधिकार बन गया था। मौलिक अधिकार जैसे कि आपके जीवन का अधिकार बहुत ही मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार ऐसा होता है जो आपको जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे अधिकार होते हैं कि आप इनके हनन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी पर बहुत डिबेट्स होती थी, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हुई राइट टू प्रॉपर्टी पर, और फाइनली इसको हटा दिया गया। इसको हटा दिया गया यानी कि 7 में से घटकर आपके मौलिक अधिकार रह गए 6, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटाया गया था, तो वो था 44वां संविधान संशोधन, और ये कौन से ईयर में आया था, ये आया था 1978 में। तो यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7 मौलिक अधिकार से हमारे 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए, और इसमें से जो हटाया गया था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को
पर्टिकुलरली एक तरह से रिमूव कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका राइट नहीं है। देखो मौलिक अधिकार बहुत ही बेसिक राइट्स होते हैं जहां पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अब इसको एक लीगल राइट के रूप में दर्जा मिल चुका है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकारों से निकलकर आपका एक लीगल राइट बन गया और इसका आर्टिकल है 300A। और कौन से भाग में शामिल कर दिया गया इसको? इसको भाग 12 में शामिल कर दिया गया। देखो पार्ट और आर्टिकल्स में डिफरेंस होता है ना, कुछ भाग होते हैं हमारे संविधान के और आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स और भाग में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों का जिक्र भाग 3 में है, लेकिन अगर आर्टिकल्स पूछे जाए तो आर्टिकल 12 से 35 है। इसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी कहां गया? तो ये एक लीगल राइट बन गया, साथ ही साथ इसका जिक्र किया गया है 300A में, 300A आर्टिकल में जिक्र किया गया है और ये संविधान के भाग 12 में शामिल हो गया है। पहले ये अधिकार भी आपका भाग 3 में शामिल था क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकारों का है, लेकिन अब जो है ये भाग 12 में शामिल हो गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी के राइट के बारे में कि भाई ये हट गया है और आपके टोटल जो है कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं? 6, जो फ्रेश है बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट याद देखते हैं। अब हम आ जाते हैं मौलिक अधिकारों पर, उनके उनसे रिलेटेड राइट्स के ऊपर। देखो मूल रूप से अगर कहें तो 6 मौलिक अधिकार है। अगर मैं कहूँ समता का अधिकार है तो ये अधिकार अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए हैं। मैं आर्टिकल टू आर्टिकल आपसे डील करूंगी बहुत ही शॉर्ट में, और इतने शॉर्ट और बिल्कुल अच्छे उसमें टाइम में मैं आपको ये चीज समझा दूंगी ताकि आपको ये कभी भूले ना। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे टोटल, कौन कौन से हैं उनको याद कर लीजिए। सबसे पहले समता या समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आपका आता है 19 से लेके 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो है वो है 23 और 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये आपका है 25 से 28 तक, यानी कि 25 से 28 तक। फिर आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आपके बेसिकली माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं, ये 29 से 30 के हैं। और उसके बाद लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने तो बताया था कि 12 से 35 अधिकार है, 12 से 35 तक जिक्र है, तो अब 12वां अधिकार और आपका फिर यहाँ पे बीच में 31, 33, 34 और 35, तो भाई सब्र रखिए, ये भी आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखनी है इसके लिए। तो अभी आप याद कर लो मोटा मोटा कि समता का अधिकार आपके 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता आपका 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 है, धार्मिक के जस्ट बाद माइनॉरिटी राइट्स यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ये आपका, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये बेसिकली 5वां जो नंबर है ये आपका माइनॉरिटीज का है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं उससे रिलेटेड है, 29 और 30। और उसके बाद लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आपका 32 आर्टिकल के अंदर आता है। वन बाय वन हम एक बार इसको देखेंगे। पहले आप इंग्लिश में भी देख लीजिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे अधिकार हैं आपके। ओके, सो अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, यानी कि समता के अधिकार के ऊपर, जो कि 14 से 18 है। सबसे पहली बात, चलिए 12वें और 13वें आर्टिकल की पहले जिक्र कर लेते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल आपका 13, ये दो आर्टिकल क्या कहते हैं भाई? आर्टिकल 12 जो है एक तरह से राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य क्या होगा, है ना, राज्य यानी कि जिसमें आपकी संसद के अंग भी आ सकते हैं वो क्या होंगे, तो वो आर्टिकल 12 कहता है। राज्य की परिभाषा बेसिकली आर्टिकल 12 में दी गई है, जिसके कि राज्य के जो भी वो होते हैं, मान लीजिए राज्य कोई लॉ पास करता है, कुछ भी पास करता है और जो कि आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो आपके आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो बेसिकली 12 जो है उस तरह के राज्यों को डिफाइन करते हैं। उसके बाद है 13 आर्टिकल, ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है शून्य होगी, कि कोई भी मूल अधिकार जो होगा उसका हनन अगर कोई भी सरकार कर रही होगी तो वो न्यायिक समीक्षा के योग्य होगी, मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि जो कोई भी मूल अधिकार, जो जितनी भी विधियां बनाई जाती है, संसद में विधियां बनाई जाती है, विधानमंडलों में विधियां बनाई जाती है, तो अगर वो विधियां जो है मूल अधिकारों के खिलाफ होंगी तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये आर्टिकल 13 कहता है। तो 12-13 को आपको इस तरह से याद रखना है। अब हम आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी के ऊपर, समता के अधिकार पर। तो 14 से 18 5 राइट्स है इसके अंदर। सबसे पहला 14, यानी कि विधि के समक्ष समानता, मतलब लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, लॉ सबके साथ समान रूप से बिहेव करेगा। फिर आता है आर्टिकल 15, ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मूल वंश के हैं, किसी भी लिंग के हैं, तो केवल इस कारण से आप पर कोई भी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है आर्टिकल 16,
आर्टिकल 16 कहता है जितनी भी सरकारी नौकरियां होगी, लोक नियोजन बेसिकली जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है जो भी होती है, यहाँ पर सभी को अवसर की समानता, मतलब इस अवसर की समानता मिलेगी, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे रिजर्वेशन, तो भाई यहाँ पे हर लॉ के अंदर एक एक चीज, एक एक क्लॉज ये भी दी गई है कि जो भी रिजर्वेशन है वो यहाँ पर होगा, है ना। विभेदीकरण का मतलब ये नहीं है कि, अब देखो इस पर मैं डिबेट नहीं करना चाहती रिजर्वेशन क्यों है क्या है, लेकिन ये दिया गया है कि भाई लोक नियोजन में क्या होता है, बेसिकली सरकारी नौकरियां होंगी या सरकारी कोई भी चीज है जहां पे आमंत्रित किया जा रहा है, कुछ भी किसी के लिए वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट है, कोई भी प्रोसेस है, तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो रिजर्वेशन होगा वो एज पर रूल्स जितना है वो उतना रहेगा, है ना। वो एक तरह का आप ये कह सकते हो कि जनरल वालों के साथ भेदभाव है, लेकिन एज पर लॉ जो है वो रिजर्वेशन की पॉलिसीज भी साथ साथ दी गई है। उसके बाद 17 जो है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, किसी के भी साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जा सकता है तो अपने मूल अधिकारों के हनन के लिए आर्टिकल 17 के अंदर वो जो है वो केस दायर कर सकता है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 17। लास्ट में है 18, यानी कि पहले ना बहुत सारी उपाधियां मिलती थी लोगों को, दूसरे देशों से भी मिल जाती थी, बड़े बड़े यू नो राजघरानों से भी मिल जाती थी, लेकिन आर्टिकल 18 में उन सब उपाधियों को अंत, मतलब उनका अंत किया जा चुका है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान होते हैं, शौर्य चक्र होता है, ये सब चीजें ये तो मिल सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल्स का जो है एक तरह से प्रोहिबिशन किया गया है, उनको पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो 14 जो है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 जो है नॉर्मल है कि धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के यहाँ पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, सार्वजनिक स्थानों पर, कुओं पर जाने पर लोअर कास्ट के लोगों को मना किया जाता था, नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पर जो है आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप किसी के साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। लोक नियोजन यानी कि आपका जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो भी होता है, उसमें कोई भी अवसर की समानता सबके लिए सेम होगी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मूल के हो, किसी भी लिंग के भी हो। ये बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, और ये आपका जनरल है 15 वाला। 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 जो है उपाधियों का अंत, शॉर्ट में अगर कहें तो ये था आपका इक्वालिटी। यहाँ पर देखो इक्वालिटी शब्द लिखा हुआ है, समानता, तो ये सब जो है समान से। उपाधियों से क्या हो जाता है ना कि पर्टिकुलर किसी पर्सन वो फेमस हो गया, उसको एक उपाधि आपने दे दी, तो उस उपाधि से क्या होता है, दूसरों के साथ भेदभाव होता है, वो प्रिविलेज फील करता है उस, तो इस चीज की मतलब ये है कि इक्वल होना चाहिए सभी को, कोई विशेष उपाधि आप नहीं ले सकते हैं, अंटिल और अनलेस, जब तक कि वो सेना या किसी विद्या संबंधी सम्मान ना हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें भी आपके 5 आर्टिकल्स हैं, सॉरी हाँ यस, इसमें आपके 4 आर्टिकल्स हैं, लेकिन 21A जो है इसको बाद में ऐड किया गया था, तो इसका भी एक स्पेशल जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ पर है आर्टिकल 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए ये जो आर्टिकल 19 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल 19 पर जो है एक तरह का रोक लगाई जा सकती है। खैर मैं आपको बता दूंगी कौन से नागरिकों के अधिकार होते हैं, कौन से विदेशियों के नहीं है, कौन से विदेशियों के हैं, वो सब भी एक अलग मैटर है, तो वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप संचरण कर सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, किसी भी देश के हिस्से में निवास कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं, एक तरह से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस देश में अपने विचार रखने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, चाहे वो अभिव्यक्ति आप निवास करके करें, चाहे आप किसी जॉब को करके करें, चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करके करें, तो ये बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पर संरक्षण मिलता है। सिंपल भाषा में कहें कि मान लीजिए आप पर किसी अपराध का दोष लगाया गया है, लेकिन आप तब तक दोषी करार नहीं दिए जाएंगे, मतलब आप उस पर ऐसे बेवजह उसको दोषी करार नहीं दे सकते कि हाँ ये तो गिरफ्तार हो गए तो देश दोषी है, जब तक कि दोष जो है वो सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, मतलब और किसी, इसके अंदर एक और चीज है कि किसी भी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए उसको एक से बार आप अभियोजित नहीं कर सकते। मान लीजिए उसने एक बार चोरी की है तो बार 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 आप उसी चीज के लिए उसको दोषी नहीं ठहराएंगे या फिर उसको दंडित नहीं करेंगे। ठीक है, किसी अपराध किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा कि नहीं आप गवाही दीजिए कि आपने किया है, किया है, भाई उसकी मर्जी है, वो चाहता है तो नहीं करेगा, है ना। भले उसने चोरी की है लेकिन वो अगर नहीं कबूलना चाहता तो वो आप उसको मजबूर नहीं करेंगे कि वो गुनाह अपना कबूल करे जो भी है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इसके अंदर हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, जीवन रक्षा का अधिकार है, यानी कि आप अपने प्राणों की रक्षा करने के पूरे पूरे अधिकारी हैं। इसमें निजता का अधिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी जो आया था आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी मामला उठा था, तो प्राइवेसी वाला राइट जो है, प्राइवेसी आप कह सकते हैं, निजता का अधिकार जो है वो भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आपको आश्रय का अधिकार है, यानी कि आपको एक आश्रय चाहिए, बेसिक नीड्स जो है आपकी, आपको अच्छे पानी का अधिकार है, अच्छी हवा का आपको अधिकार है, स्वास्थ्य का आपको अधिकार है ना, आपातकालीन चिकित्सा का आपको अधिकार है,
ऋषि के अंदर जो बेसिकली जो देर से फांसी जो होती है उसके विरुद्ध भी ये अधिकार इसमें शामिल है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार हो गया, सुनवाई का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर ही समाये हुए हैं। उसके बाद एक और आर्टिकल जो है 21A ऐड किया गया था, ये आप सभी को ज्यादा पता होगा क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम से है। तो बेसिकली हर 6 से 14 साल तक का जो बच्चा होता है उसको अनिवार्य जो है शिक्षा का अधिकार है, ये भी इसके अंतर्गत ऐड किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो है इस एक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ये भी आपको नहीं भूलना है। फिर है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो कौन कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं? देखो इसमें काफी चीजें होती हैं। अब क्या होता है ना कि हिरासत में दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो दंड विषयक होती है और एक होती है निवारक। दंड विषयक का मतलब है कि भाई उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है और उसका अपराध जो है सिद्ध हो चुका होता है तो उसको दंड मिलना होता है, उसको सजा मिलनी होती है। एक तो उस तरह के इंसान हो गए। एक होता है कि जिसमें आपको एक तरह से वार्निंग सी दी जाती है, निवारक होता है, मतलब बिना सुनवाई के ही अदालत में दोषी ठहराया जाए और एक तरह से ये कह दिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप भविष्य में ध्यान रखना इस चीज का कि आप आगे किसी भी चीज के लिए वो ना करो। एक तो ये होता है और एक होता है दंड मिल चुका है आप किसी चीज के लिए। तो ये दोनों ही तरह की दशाओं में कुछ अधिकार होते हैं लोगों को जो गिरफ्तार हुए हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई गिरफ्तार करने, जो भी उसको गिरफ्तार कर रहा है तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको सूचना मिलने का अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस चीज में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको दंडाधिकारी के सम्मुख मतलब एक तरह से पेश होना होता है, है ना, तो वो भी अधिकार इसके अंतर्गत शामिल है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है बेसिकली, वहां भी कुछ राइट्स दिए गए हैं इनको, तो उन राइट्स के बारे में है ये। देखो इसमें बहुत सारी डिटेल्ड चीजें हैं, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं कराना चाहूंगी क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि गिरफ्तारी और निरोध से में जब संरक्षण चाहिए होता है तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं कि आप भाई 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करवाया जाता है, आपको सूचना भी देनी होती है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, है ना। आप अपने आप किसी भी वकील से आप परामर्श ले सकते हैं, उसे सलाह ले सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा का आपको अधिकार होती है, तो ये होता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारे आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, ये है राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसके अंदर दो ही अधिकार आते हैं, 23 और 24, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। पहला है बलात्श्रम का प्रतिषेध और दूसरा है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो आर्टिकल 24 को तो आपने याद कर लिया होगा क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जो भी मेरे चैनल पर ज्यादा लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो 24 तो ये है कि भाई कारखानों में 14 साल से कम का जो बच्चा होगा उसको आप किसी भी व्यवसाय में नहीं लगा सकते हैं, उसको काम करने के लिए आप मजबूर नहीं करेंगे, ना ही आप उसको काम करवाएंगे। ये है ये तो आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 क्या कहता है कि जो मानव दुर्व्यापार होता है या भी इस तरह के अन्य जो भी बलाश्रम होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है एक तरह से, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को खरीदना बेचना हो गया, महिलाओं और महिलाएं होती हैं जो बच्चे होते हैं उनका व्यापार हो गया, उनको खरीदने बेचने का जो व्यापार हो गया, इन सभी पर जो है ये प्रतिबंध लगाता है क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास राइट टू लाइफ है, आपको कोई खरीद और बेच नहीं सकता है, आप कोई वस्तु थोड़ी है। तो बेसिकली ये है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आपका बच्चों से रिलेटेड है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, ये है अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन क्योंकि यहाँ पर आपका पर्टिकुलरली एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है आपके शरीर का, आपके खुद का, आपके पूरे उस चीज का। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए रिलीजन में जो है आपके 25 से 28 तक आते हैं अधिकार, 4 अधिकार यहाँ पर आते हैं, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और 28। ये थोड़ा इंपॉर्टेंटली आपको याद करना है क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये बहुत बार पूछा जाता है आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 25। इसके अनुसार क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखो मैं एक हिंदू हूं तो मेरी एक ये है कि भाई मैं कोई भी ये अपना धर्म मानती हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मानती हूँ, मैं इसका आचरण भी करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं फास्ट रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ और मुझे इसका प्रचार करने का भी वो है कि हाँ भाई मैं सारे देवी देवताओं को प्रचार कर रही हूँ, वो मेरी अपनी एक वो है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये एज जैसे एक हिंदू को, ऐसा एक मुस्लिम को, ऐसा एक सिख को है, ऐसा एक जैन को है, जो भी भारत में रहते हैं, तो सभी को ये अधिकार है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। इसका मतलब यह है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय होगा या उसके किसी अनुभाग को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से? जैसे कि धार्मिक और मूर्त प्रतियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनके पोषण का अधिकार हो सकता है, जो भी धर्म से रिलेटेड कार्य होते हैं, पूजा पाठ हो गए, उनका प्रबंध कर सकता है ना। और
जैसे आपके मंदिर के, जैसे मंदिर है, मंदिरों में बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं ना, उनका बेसिकली ये ग्रुप काम बोल सकते हैं। पहले वाले में तो क्या है कि हाँ भाई व्यक्तिगत रूप से मुझे ये अधिकार प्राप्त है, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी है। लेकिन अगर हम 26 की बात करें तो ये एक तरह से एक धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। भाई ये है कि आप एज अ समुदाय, आप एज ए धार्मिक समुदाय जो है, आपके कुछ अधिकार होते हैं कि आप भाई अपने जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको आप, सॉरी आई एम नॉट इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए आपका कोई ट्रस्ट है, मंदिर का ट्रस्ट है, कुछ भी है, उसका प्रबंध आप कर सकते हैं। ओके, ये उससे रिलेटेड है। पहले वाला तो इंडिविजुअल है, यानी कि एक व्यक्तिगत रूप से है, और दूसरा जो है धार्मिक कार्य कौन करते हैं, जब एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है, धार्मिक समुदाय बन जाता है, और जब वो अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रबंधन करता है तो उसको हम धार्मिक कार्य के वो संज्ञा उसको देंगे। ठीक है, तो ये वो है। उसके बाद 27 है, किसी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। अब कर यानी कि यहाँ पर टैक्स की बात की गई है। इसमें दो चीजें हैं, पहली तो ये कि भाई आर्टिकल 27 कहता है कि आप किसी भी इंसान को किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए कुछ करने के लिए उसको कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे या सरकार ये नहीं कहेगी कि भाई इस पर्टिकुलर धर्म का हमें उत्थान करना है तो आप इसके लिए टैक्स दीजिए, नहीं आप ये नहीं कह सकते। दूसरी चीज जो है कि सरकार किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक धर्म का उत्थान करने के लिए टैक्स का यूज नहीं करेगी। मतलब ये है कि सरकारी प्रॉपर्टी से, ये नहीं है कि किसी मंदिर का रखरखाव किया जा रहा है, किसी मस्जिद का रखरखाव किया जा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी का, टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी का, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो टैक्स पे करे किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ना ही गवर्नमेंट जो है उस कर का जो है यूज करेगी। मतलब उस जो कर जो आपने एकत्र किया है अपने पास, जो कर आपने इकट्ठा किया है लोगों से, उसका किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रखरखाव के लिए उसका व्यय जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये टैक्स से रिलेटेड है। लास्ट है 28 आर्टिकल, ये पूछा जाता है मोस्टली जो है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः जो पोषित होता है किसी भी शिक्षा संस्थान में, मान लीजिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जो प्रॉपर गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, जहाँ से आपके केवी हो गए या फिर आपके दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, वहां पे जो है किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसका पूरा वो जो है प्रॉपर गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है। जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, आप यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद अगला आर्टिकल है, सॉरी अगले राइट्स हैं, वो कौन से हैं, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, हम इनको माइनॉरिटी राइट्स बोलते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली उनके लिए है। ये माना जाता है कि देश में जो बहुसंख्यक है उनकी संस्कृति तो अपने आप फलती फूलती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी संस्कृति को थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करना पड़ता है, इसीलिए संविधान में ये दो आर्टिकल्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अगेन ये बहस का मुद्दा है, तो इस पर मैं बहस नहीं चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस बहस में पड़े, आपका काम है सिर्फ इस चीज को पढ़ना कि आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करता है, कि जितने भी अल्पसंख्यक है वो किसी भी भाग में रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलते हैं, किसी भी लिपि को जानते हैं, किसी भी बोली को बोलते हैं, किसी भी संस्कृति से हो, उनके अधिकार जो है सुरक्षित रहेंगे, वो अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं, वो अपनी भाषा का यूज कर सकते हैं, हर चीज की उनको स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 30 यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जैसे आपके मदरसे होते हैं, मुस्लिम्स का बेसिकली होता है मदरसों में, तो ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना वो कर सकते हैं, अपने प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स हो गए, वो क्रिश्चियंस के स्कूल्स होते हैं, तो इनको अपना कोई भी शिक्षण संस्थान चलाने की और उसकी स्थापना करने की पूरी पूरी आजादी है। यह है अनुच्छेद 30। तो 29 और 30 अल्पसंख्यकों के राइट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, देखो आर्टिकल 31 क्या था, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जो कि आपका एबॉलिश हो चुका है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, है ना। 12-13 मैं आपको बता चुकी हूँ, 32 तक आपको यहाँ पे बता दूंगी, और 31 जो है आपका एक तरह से अबैंडन हो चुका है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, तो इसको याद रखना है आपको। अब है बात अनुच्छेद 32 की। तो देखो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार, देखो मूल अधिकारों के हनन के लिए आप दो जगह जा सकते हो, एक तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, और एक आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना। तो अब लेकिन हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 32 का जिक्र किया गया है, जिसके तहत आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो अगर आपके मूल अधिकारों का जो है हनन किया गया है। तो ये है आर्टिकल 32। अब यहाँ पर आप कुछ रिट्स जारी कर सकते हैं, है ना, 5 रिट्स होती हैं जिनको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ये रिट्स जो है आपके मूल अधिकारों के हनन के उसमें जारी की जा सकती हैं। तो ये 5 रिट जो है आपको याद रखनी है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर होती है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं।
तो आपको याद रखना है कि रिट जो है वो जारी हाई कोर्ट भी कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन रिट जारी कर सकता है, तो याद रखिए कि रिट जो है वो दोनों ही न्यायालय जो है वो जारी कर सकते हैं। ना कौन कौन सी रिट होती है, इंग्लिश में मुझे ज्यादा नहीं पता क्योंकि पोल साइंस मेरे पास हिंदी में थी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, परमादेश होती है, प्रतिषेध होती है, उत्प्रेषण होती है और अधिकार प्रच्छा होती है। तो इनको मैं डिटेल में इसकी वीडियो बना दूंगी, फाइव रिट्स की मुझे बनानी है, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस में चल रहे हैं तो अभी आपको याद रखना है आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, मतलब आपके अगर अधिकारों का हनन हुआ है तो आप 5 रिट में से रिट्स जारी करवा सकते हैं थ्रू सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट की बात करें तो 226 के अंतर्गत आता है। अब बाकी बचे आपके 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। ये क्या है? देखो, अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति, मतलब इन मूल अधिकारों को संसद किन्हीं लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए वो कर सकती है, संशोधित कर सकती है। कौन कौन से? जैसे आर्मी पर्सन होते हैं ना, आर्मी पर्सन हो गए, या फिर आपके पुलिस अधिकारी हो गए, यानी कि सशस्त्र बल हो गए आपके, अर्धसैनिक बल हो गए, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गई आपकी, पुलिस फोर्सेज होगी, खुफिया एजेंसियां होगी जैसे रो हो गई, इन सबके उसमें केस में जो है संसद को अधिकार है कि वो इनके जो भी मूल अधिकार होते हैं उस पर थोड़े थोड़े प्रतिबंध जो है संसद लगा सकती है। दिस इज आर्टिकल 33। अब 34 मार्शल रॉ से संबंधित है। मान लीजिए भारत के किसी हिस्से में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर कुछ केसेस में जो है मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, है ना, वो जो है ये 34 आर्टिकल कहता है। अब हम बात करते हैं 35 की, तो इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो संसद है उसको कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि ये भी संसद को प्राप्त है, ये आर्टिकल 35 के अंतर्गत जो है ये शक्ति संसद को प्राप्त है, राज्य के विधानमंडलों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब यहाँ पे संसद जो है कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ कानून बना सकती है, कुछ कानून की शक्तियां प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये भी सिर्फ संसद कर सकती है, ये आपकी राज्य विधानमंडल जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, क्या ऐसा है कि मूल अधिकारों को बिल्कुल भी इन पर रोक नहीं लगा सकती, चाहे कुछ भी हो देश में लेकिन मूल अधिकार नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। जब भी आपातकाल लगता है देश में, यानी कि इमरजेंसी जब भी लगती है, तो आपके कुछ अधिकार, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जो है आपके सारे अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किसी ना किसी केस में कभी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, कई बार बाहरी रूप से आक्रमण हो जाता है तो इमरजेंसी लग जाती है, कभी देश में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इमरजेंसी लग सकती है। तो आप क्लेम नहीं कर सकते नहीं मैं तो अपने राइट अभी भी इंजॉय करूंगा चाहे देश में कुछ हो रहा हो, ऐसा नहीं है। जब भी देश की पूरी राष्ट्र की आन बान शान पर बात आती है तो आपके राइट्स को प्रतिबंधित किया जा सकता है। Yes, of course, 21 राइट टू लाइफ आपका प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, और आर्टिकल 20 भी जो है आपका निलंबित नहीं होता है, लेकिन बाकी आर्टिकल जो है उनको निलंबित मतलब टाइमली मतलब सिचुएशन के आधार पर निलंबित जो है वो किया जा सकता है। ओके, तो ये एक चीज थी। अब देखो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं मूल अधिकार, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल विदेशों को प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे होता है जो सिर्फ हमारे नागरिकों को प्राप्त है। तो भाई नागरिकों को तो सारे ही अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो विदेशियों को भी प्रदान जो है वो किए गए हैं, तो वो कौन से बता देती हूँ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल 14 है कि कानून के समान सब रहेंगे, ये जो जितने भी मैं आर्टिकल लिखूंगी ये सारे ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है, जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है उनके पास भी है। आर्टिकल 14 है इनके पास, यानी कि विधि के समक्ष जो है आरक्षण वो होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 20 भी विदेशों को प्राप्त है, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिलता है तो वो भी एक विदेशी को प्राप्त होता है। उसके बाद आर्टिकल 21 भी इनको प्रदान किया गया है, यानी कि विदेशी जो है उसको भी अपनी जीवन की और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी। फिर 21A भी उनको है, वो भी मतलब इंजॉय कर सकते हैं पूरा ये राइट टू एजुकेशन। उसके बाद आर्टिकल 22 जो कि आपके कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से जो संरक्षण था वो भी यहाँ पर है। उसके अलावा आर्टिकल 23 भी इनको प्रदान है, मतलब आप विदेशी नागरिक को भी बेच नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका मूल अधिकार नहीं है, वो उसका मूल अधिकार है, है ना। तो 23 भी इनको प्राप्त है। उसके अलावा इनको 24 भी प्राप्त है जो कि बच्चों का है, एक विदेशी बच्चा भी है 14 साल से कम का उसको भी आप काम पर नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा 25 है, यानी कि धर्म का जो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपको 26 भी प्राप्त है, यानी कि कर के लिए आपको धार्मिक संस्थानों के संचालन की भी आपको स्वतंत्रता है, ये भी विदेशी को प्रदान किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 27 भी प्रदान किया गया है और आर्टिकल 28 भी। तो यानी कि 25, 26, 27, 28 जितने भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो तो सारे ही विदेशियों को दिए गए हैं। अगर हम समता की बात करें तो आर्टिकल 14 दिया गया है, अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो आपको ये 3 अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद जो आपके आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है 23 और 24 ये भी आपको विदेशी को प्रदान किया गया है।
है ना। लेकिन जो अल्पसंख्यक वाला अधिकार है वो विदेशों को प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 और साथ ही साथ रिट जारी करवाने वाला अधिकार भी जो है एक विदेशी को प्राप्त नहीं है, है ना। तो याद रखना 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे विदेशों को प्रदान किए गए हैं, बाकी नहीं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो मुझे लगता है कि इतना इनफ होगा आपके फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान।